पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, ये कैसा लगा आपको इनिशिएटिव? बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है जी, समझता हूँ कि बहुत प्रोडक्टिव और बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं ट्रेल 5 पे आया हूँ और यहाँ पे डिजिटल किताब खाना का एक इनिशिएटिव है फ्री बुक्स के हवाले से, कि आप अगर ट्रेल 5 पे हाइकिंग के लिए आते हैं और आप बुक रीडिंग का जो एक इनिशिएटिव इन्होंने लिया है, बिकॉज़ अभी किताब बीनी बहुत कम हो गई है, किताब से दोस्ती लोगों की। हम कभी पढ़ते थे अपनी किताबों में कि सबसे बेहतर दोस्त जो है वो किताब होता है, लेकिन अभी इस मॉडर्न एरा में किताब से लोग बहुत दूर हो चुके हैं। तो डिजिटल किताब खाना का एक बेहतरीन इनिशिएटिव है, आप यहाँ से बुक लेके जा सकते हैं हाइकिंग के दौरान। आप कहीं अगर बैठते हैं, आप उसको पढ़ें, बेशक आप एक पेज पढ़ते हैं, वापसी पे आपने इस बुक को यहीं पे रखना है और नेक्स्ट टाइम आप जब भी आएंगे तो आपके पास जो बुक्स होंगे, जो आप पढ़ चुके होंगे, वो वापस आप यहाँ पे ड्रॉप करें। ये एक नेकी का काम भी है और एक बेहतरीन बेहतरीन आदत भी है। थैंक यू वेरी मच। इस तरह के जो जो रिक्रिएशनल इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, इनका बेसिक जो पर्पस होता है बेसिकली वो ये होता है कि आपकी जो डे टू डे रूटीन में जिस तरह से हम लोग एक स्पेसिफिक पैटर्न से अपनी लाइफ को गुजार रहे होते हैं, तो इस तरह की एक्टिविटीज से क्या होता है कि आप थोड़ा सा रूटीन से हट कर अपने लिए टाइम निकालते हैं और इससे आपका स्ट्रेस लेवल बहुत कम होता है। क्योंकि जब आपकी बॉडी फटीक में आती है और आप इस तरह की, जैसे कि अभी आपको आवाज़ें आ रही नेचर की जो, और जहाँ पर ये पोल्यूशन फ्री एरिया होता है, तो इट इज़ वेरी गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ प्लस योर फिज़िकल हेल्थ। सो आई थिंक कि हम सबको अपनी मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ के ऊपर जो है वो काम करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि हम अपनी सेल्फ केयर पर टाइम निकालें और कभी ना कभी अपने लिए वक्त निकालें। फिर